यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है, उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाना वर्जित रहेगा। अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लगा देनी चाहिए। वे मान रहे थे कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी के लिए सारी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर देवबंद में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। वहीं जेपी नड्डा स्मृति ईरानी भी सियासी मैदान में उतरे। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अपराध के मुद्दों पर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। वहीं जयंत और अखिलेश की जोड़ी पर तंज किया। शाह ने कहा कि अगर अखिलेश का प्लान जीत के बाद जयंत को हटाकर आजम खां को बिठाने का है कि हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हो, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको? काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी लगातार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ किसानों से लेकर रोजगार के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नकारात्मक सियासत का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर घेरने की कोशिश की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अमृतसर पूर्व सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पटियाला छोड़ने और उनसे मुकाबला करने की चुनौती दी। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने संगरूर जिले में धूरी से नामांकन दाखिल किया।